हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स, ये मेन्यू ड्रिवन एक प्रोग्राम बनाया गया। अब इसमें पुश फंक्शन का यूज किया गया है। पुश यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी इसमें रिकॉर्ड्स पुश कराए जाएंगे। किसके माध्यम से? पुश के माध्यम से। तो यहाँ पर पुश फंक्शन का भी यूज किया है हमने। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुश लिखा है हमने, और पुश लिखने के बाद यहाँ पर इसमें कुछ पैरामीटर भी पास किए गए हैं। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज किया गया, ठीक है, और यहाँ पे पॉप का भी यूज किया गया, डिस्प्ले का भी, और एम्प्टी का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो अभी इसको चला के देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गए हम, तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखाई पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है कि आप आइटम को पुश कराना चाहते हैं, तो अगर आप पुश कराना चाहते हैं तो वन प्रेस कीजिए। तो वन प्रेस किया, आप यहाँ पर कोई नेम मैं पुश कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक बुक का नाम है, और यहाँ पर जैसे ही जावास्क्रिप्ट लिखा तो यहाँ पे ये पुश हो गया, यानी कि अपेंड हो गया इसमें, ठीक है। अब जबकि हम चाहते हैं इसको डिस्प्ले कराना, तो थ्री लिखेंगे, तो थ्री लिखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। यानी डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखेंगे? थ्री लिखेंगे, और यहाँ देखिए नेम नीचे डिस्प्ले हो रहा है, जावास्क्रिप्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए फिर आप पुश कराना चाहते हो तो फिर वन प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है। सीधा वन प्रेस करेंगे, यहां पर आकर के वन प्रेस करेंगे और फिर पुश कराएंगे। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं कॉटलिन लिखता हूं, कॉटलिन, ठीक है। तो ये कॉटलिन लिखा, तरीके से ये हो जाएगा। देखिए अब यहां पर अगर हम ये चाहते हैं कि हम पॉप कराएं यानी हटाएं, तो अभी हमारे पास कितने एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं यहां पे। यहाँ पे अगर मैं थ्री करता हूं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक तो कॉटलिन, दूसरा जावास्क्रिप्ट। अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ दो प्रेस करेंगे, और दो प्रेस करते ही हम यहाँ हटा भी पाएंगे। तो किसको हटाना है भैया? तो जिसको भी हटाना है, तो यहाँ पर हटाने के लिए दो हमने लिखा है, तो यहाँ पर हमको हटाना है कॉटलिन को, KOTLIN। तो क्या ये कॉटलिन को रिमूव करेगा? तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, थ्री प्रेस करता हूँ, तो अब देखिए इसमें से कॉटलिन गायब है, केवल जावास्क्रिप्ट बचा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको करना है, ठीक है। कोड आपको अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सूरत सर कंप्यूटर वाले, वहां पे आपको ये कोड मिल जाएगा, सेम कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।